हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये घटना सर करंट अफेयर्स का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के जो भी चैप्टर हुए हैं वो सारे प्लेलिस्ट पे पड़े हैं, आप लोग देख लेना। और जो लोग वीडियो देख चुके हैं करंट अफेयर्स का, वो लोग PDF से पढ़ें, जो सिनॉप्सिस भेजी गई है टेलीग्राम पर उसी से रिवाइज कर लीजिए। अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर कर लिए थे, ये लास्ट चैप्टर होगा। इस चैप्टर की सिनॉप्सिस मैं बना नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर मैंने PDF में ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है, वो हेल्प करेगा आपको। वैसे भी ये वाला चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो दिमाग की जो कोशिकाएँ हैं वो आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि इसमें इतना सारा फैक्चुअल होता है, सारा याद करना मुश्किल हो जाता है, बार बार देखना पड़ता है। फिर भी क्या कर सकते हैं, करना तो है ही। एक दो क्वेश्चन आते हैं, इमेजेस वगैरह डाल दूंगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम लोग CSET का भी एक टेस्ट कर चुके हैं और दृष्टि ने CSET जो डिज़ाइन किया हुआ है उसमें लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं। तो एटलीस्ट आप लोग एक टेस्ट जरूर देखें ताकि पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, खासतौर से मैथ रीजनिंग वाले और जो फैलेसी वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सेन बॉर्न, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इनको स्पिन के जादूगर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या है, PR श्रीजेश, सुपर इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। इनको भी हाल ही में राष्ट्रीय खेल अवार्ड भी मिला है। राष्ट्रीय खेल अवार्ड तो अब नाम नहीं रहा है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको दिया गया है। ये हॉकी से रिलेटेड है और गोलकीपर है। इसके अलावा रिपीटेड विश्व खेल में भी इनको बर्ड्स के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सारे क्वेश्चंस दृष्टि के टेस्ट सीरीज में पड़े हुए हैं, उनको आप लोग लगा लीजिए। मैं वीडियो तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जो टेस्ट नंबर 7, 8, 9, 10, 12 तक जो PDF पड़ी है उस पर मैंने मार्क करके दिया है जो करेक्ट आंसर है। एटलीस्ट उसी PDF को ही एक नज़र में देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अब इतना समय नहीं है। टिक मार्क लगा हुआ है, आप एक नज़र में देखते जाइए सब। तो यहाँ पर इनका नाम याद रखना है PR श्रीजेश का, इनका क्षेत्र भी याद रखना है, फील्ड भी याद रखनी है। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, यही पूछेगा कि PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी याद रखें। और यहाँ पे क्या है, PR श्रीजेश इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। आइए इस तरफ आइए। स्मृति मंदाना, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर, इनको YCC ने अभी 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए चुना है। अंजू बॉबी जॉर्ज, हाई जंपर, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा है। ठीक है, सौरभ गांगुली ICC क्रिकेट समिति के नए चेयरमैन हैं, ये BCCI के भी अध्यक्ष हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत लिमिटेड फैक्ट पढ़ रहे हैं, आप लोग चाहें तो PDF से पूरा पढ़ सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग बस उसी को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, BVS लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख नियुक्त किए गए, लक्ष्मण साहब राहुल द्रविड़ साहब का स्थान लेंगे। भारत श्रीलंका टेस्ट मैच सीरीज, पहला मैच मोहाली में खेला गया। इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज ऋषभ पंत को चुना गया। यहाँ पे दो फैक्ट बहुत है, भारत श्रीलंका T20 श्रृंखला देख लीजिए, यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज श्रेयस अय्यर को मिला, भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत को मिला और भारत श्रीलंका T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर को मिला। भारत वेस्ट इंडीज वनडे और T20 श्रृंखला, वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया ये 1000वां मैच था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना कि अभी हाल ही में किसके साथ भारत ने 1000वां वनडे मैच खेला, तो वेस्ट इंडीज याद रखें। इसमें परफॉर्मेंस किसने किया यहाँ पर देख लेते हैं। वनडे सीरीज के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा रहे और T20 श्रृंखला के लिए मैन ऑफ द सीरीज सूर्य कुमार यादव रहे। जो लेटेस्ट सीरीज है उनको हम लोगों ने देख लिया, ये साउथ अफ्रीका वाला स्किप करते हैं हम लोग। Under-19 क्रिकेट विश्वकप कहाँ पर खेला गया, वेस्ट इंडीज में खेला गया और Under-19 विश्वकप विजेता भारत ही रहा। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इस ट्रॉफी को जीता किसने है, हिमाचल प्रदेश ने। ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ICC महिला विश्व कप 2022 वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज न्यूजीलैंड में हुआ और विजेता ऑस्ट्रेलिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, विजेता तमिलनाडु। विजय हजारे हिमाचल प्रदेश, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु। IPL के जो स्पॉन्सर थे इस बार, वीवो तो नहीं है, अब टाटा ग्रुप है। अब IPL टाटा IPL के नाम से जाना जाएगा। टाटा ग्रुप स्पॉन्सरशिप 2022 के लिए और 2023 के लिए करेगा। और अभी तो IPL चल रहे हैं 2022 वाले, फाइनल कब है, आजकल में है ना, कल है शायद। ये कभी कभी पूछता है कि ये IPL नंबर कौन सा है, 3-4 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया। वैसे कोई इसका रिलीवेंस नहीं है, पूछना नहीं चाहिए, फिर भी आप लोग याद रखें ये 15वां IPL है और इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया। चलिए ICC पुरस्कार देख लेते हैं। स्मृति मंदाना को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया, ये हम लोगों ने देख लिया पहले ही। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी शाहीन अफरीदी को दिया गया, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में जो रूट को मिला, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं।
उसी तरह वनडे के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में बाबर आजम को मिला। टेस्ट के लिए जो रूट याद रखें और वनडे के लिए बाबर आजम याद रखें। यहाँ पे फिर महिला कैटेगरी में देख लेते हैं, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में लिजेल ली को मिला। ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। चलिए ये तो टेस्ट मैच और वनडे हो गया था, अब यहाँ पे T20 देख लेते हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और महिला कैटेगरी में टेनी ब्यूमोंट को मिला है, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। वीडियो को पॉज कर लेना और ठीक से रिकॉल कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आने की यहाँ से बहुत संभावना है। इसके बाद उदीयमान पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसे हम लोग इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर बोलते हैं, यानिमन मलान दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। तो याद रखना महिला कैटेगरी में सबसे इमर्जिंग क्रिकेटर कौन है, फातिमा सना, ये पाकिस्तान की हैं। ये यहाँ पे इतने फैक्ट इम्पॉर्टेंट थे। ICC T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन है, बस इतना ही देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ना, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 में वर्ल्ड कप जीता है। ICC हॉल ऑफ फेम, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। जयवर्धन पोलाक और जेनेट को इसमें शामिल किया गया। चार ऑप्शन बना के देगा और पूछ लेगा इसमें से किसको हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया, तो वो एक नाम रहेगा। और इनमें से एक को पोस्तू मछली शामिल किया गया, जेनेट बिटन को, ये इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। मणु उपरांत हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। MCC मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब में मेंबरशिप अभी हरभजन सिंह को और जवागल श्रीनाथ को शामिल किया गया। चलिए टेनिस पे आइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हो चुका है, वो सीरीज आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद फिर विंबलडन होता है और सबसे लास्ट में US ओपन होता है। वर्ल्ड मैप को थोड़ा माइंड में ले आइए तो याद रहेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 विजेता राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम का जो खिताब है वो इन्हीं के पास है। यहाँ पे ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको राफेल नडाल ने हराया है ये रूस के हैं डेनिल मेदवेदेव। तो पुरुष कैटेगरी में राफेल नडाल साहब हो गए और महिला कैटेगरी में ये ऑस्ट्रेलिया की एसले बार्टी, इनको भी नाम याद रखना, महिला एकल में इन्होंने जीता। बाकी ये डबल डबल नहीं पढ़ना है, पूछेगा उछेगा नहीं। यहाँ पे छोटे छोटे से फैक्ट भी याद रख लीजिए। डेविस कप संबंधित किससे है, टेनिस से, जीता कौन है, रूस ने जीता, सिंपल इतना ही पूछ लेगा। डेविस कप 2021 किसने जीता, रसिया लगा देना। आइए हॉकी वाला सेक्शन देख लेते हैं। महिला एशिया कप 2021 दक्षिण कोरिया को हरा के जापान ने इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, ऑर्गेनाइज हिमाचल प्रदेश में हुआ और लद्दाख ने चंडीगढ़ को हरा के इस खिताब को जीता। लद्दाख यहाँ पे इम्पोर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट है महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ पे भी जापान विजेता रहा है और दक्षिण कोरिया यहाँ पे रनर अप रहा है। बस यहाँ पे विजेता विजेता याद रख लीजिए। और आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा महिला एशियाई कप 2021 में भी दक्षिण कोरिया को हरा के जापान विजेता रहा, वही यहाँ पे भी है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भी जापान विजेता रहा दक्षिण कोरिया को हरा के। यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना है गुरजीत कौर। गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित है आपको याद होना चाहिए, हॉकी। इस ट्रॉफी में इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए, 5 गोल। चलिए अभी हम लोगों ने महिला कैटेगरी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी देखा था, अब पुरुष कैटेगरी में देख लेते हैं। जो आपने महिला में पढ़ा था डेटा यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे दक्षिण कोरिया विजेता है और जापान हारा है। महिला कैटेगरी में जापान विजेता था और दक्षिण कोरिया हार गया था, बस यहाँ पे इतना याद रखना। आइए नेक्स्ट कीजिए, बैडमिंटन सेक्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिया ओपन इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे विजेता कौन है, किसने जीता इंडिया ओपन, लक्ष्य सेन आपको याद रखना है। इंडिया ओपन के विजेता लक्ष्य सेन रहे हैं। हो सकता है ऐसे ही पूछ ले कि लक्ष्य सेन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बैडमिंटन याद रखें। और बैडमिंटन से क्या बचा है, थॉमस और ओवर कप भी देख ले रहे हैं। पुरुष कैटेगरी में जो बैडमिंटन का कंपटीशन होता है वो थॉमस कप कहलाता है और महिला कैटेगरी में ओवर कप दिया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडोनेशिया ने थॉमस कप जीता है और चाइना ने ओवर कप जीता है। ये दो फैक्ट आपको और याद रखने हैं, ठीक है, हो जाएगा याद। शतरंज बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नौटक्की, पूरे पूरे चांस है क्वेश्चन आने के इसके। प्रियंका नौटक्की आंध्र प्रदेश की हैं, चेन्नई के भरत सुब्रमण्यम, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर। ये 73वां 74वां याद नहीं रखना है, बस नाम याद रखना है। उधर प्रियंका जी हो गई और इधर भारत हो गए। भारत के 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञा ननंदा, इन्होंने शतरंज के जो विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, इनको हराया है। लेकिन जिस टूर्नामेंट में हराया है हो सकता है इसके बारे में ना पूछा जाए,
ईयर विंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है। फिर भी याद रखें, अगर ऐसा पूछ ले कि अभी हाल ही में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को किसने हराया, तो प्रज्ञानानंदा याद रखें। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 इनको इन्हीं ने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने। बट ए लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे इंडियंस प्लेयर्स का रोल है उन पे आप ज़्यादा फोकस किया कीजिए। बिलियर्ड्स स्नूकर्स में तो एक ही नाम याद रखना है, पंकज आडवाणी जी, कुछ भी ना है तो इन्हीं को लगा दीजिए क्योंकि यही जीतते हैं हमेशा। आइए ओलंपिक्स के बारे में देख लेते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज बीजिंग में हुए, ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत को किसने रिप्रेजेंट किया, तो इनका नाम याद रखना है आपको, आरिफ खान। हिस्सा लेने वाले आरिफ खान एकमात्र खिलाड़ी थे। अभी शुभंकर वगैरह पहले पूछे जाते थे, मुझे नहीं लगता कि अब पूछेगा। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। चीन का बीजिंग दुनिया का इकलौता देश है जहाँ पे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों खेलों का आयोजन हुआ। बाकी यहाँ पे इंडिया का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से ये सब पूछेगा। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, यहाँ पे इंडिया का रोल बहुत है, इसलिए ये सुपर इम्पोर्टेंट है। भारत की अंशु मलिक, इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने कौन सा पदक जीता ये भी आपको जानना है, रजत पदक जीता। किस खेल से संबंधित हैं ये भी जानना है, ये रेसलर हैं, कुश्ती करती हैं। अंशु मलिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। तो पूरे पूरे चांस है पूछने के कि नहीं है? बिल्कुल पूरे पूरे चांस हैं, चूँकि महिला भी हैं इसलिए और ख़ास हो जाता है। इसके पहले हम लोग गीता फोगाट का नाम पढ़ते रहते थे, अलका तोमर जी का नाम पढ़ते थे, और सबसे जो फेमस नाम है विनेश फोगाट, इनका भी नाम पढ़ते थे, पूजा टांडा, बबीता फोगाट। और अभी तक सिल्वर मेडल नहीं मिला था किसी को, ब्रॉन्ज मेडल ही मिला था। इस बार अंशु मलिक ने रजत पदक जीता, ठीक है। तो ये इतनी बातें मुझे इंपॉर्टेंट लगी इस चैप्टर में, तो इन्हीं को कर लीजिएगा। बाकी PDF है ही, आप लोग चाहें तो पूरी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर, बढ़िया से रिवाइज कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जहाँ से भी आपने टेस्ट सीरीज पढ़ाया उनको रिवाइज कीजिए बढ़िया से, करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए। चलिए चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।